दो ना, यू आर माय सोनिया, टन 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 टन। सो सारा सा कसा कमरे से यार के मैं नमस्ते सभी को। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी। वो न्यूज़ में ये था कि अगर आपकी कोई दुकान है, कोई शॉप, एक ही मतलब होता है, मतलब कोई भी बिजनेस है जिसमें आपकी कोई दुकान बन रही है, चाहे वो पढ़ाई की है, खाने की है, कुछ किसी भी चीज़ तरह की है, वो अगर आप उसकी शॉप के जो बोर्ड पे अगर मिनिमम 60% कर्नाटका नहीं लिखा है, मतलब कन्नड़ा लैंग्वेज में अगर नहीं लिखा है, तो आपको एक अच्छा खासा फाइन पड़ने वाला हो सकता है कि शायद शायद आपकी शॉप भी बंद हो सकती है। तो या स्टार्टअप्स एंड जो नई नई शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन सबको है कि अपना नाम कन्नड़ा में लिख लें 60% के ऊपर बोर्ड पे, ताकि आपकी शॉप बच जाए एंड मैं सब सही रहे। अगर आप भी कर्नाटका, उनके अभी तक तो कर्नाटका, पर इसमें एक फ्लॉ है कि ये शायद शायद उन्होंने सोचा होगा कि उन लोगों के लिए जिनको कन्नड़ा आती है और इंग्लिश, हिंदी और कोई लैंग्वेजेस नहीं आती है, जो दो ऑफिशियल लैंग्वेज है। पर एक प्रॉब्लम में फ्लॉ क्या है कि जिनको सिर्फ कन्नड़ा आती है, वो एक्चुअली में शायद ज़्यादा स्कूल नहीं गए होंगे, या फिर स्कूल ही नहीं गए होंगे। जब स्कूल ही नहीं गए तो पढ़ कह सकते हैं, बोल ही सकते हैं ना, तो नॉट वर्थ। और अगर कोई स्कूल गया है तो वो कन्नड़ा के लिए, उसको इंग्लिश भी आती होगी और इंग्लिश तो मेजोरिटी शॉप्स में होती ही है। तो या बस जो मेरे माइंड में आया मैंने आपको बता दिया जी, जो मुझे फ्लो लगा। अब फिर भी मैं ये बताऊंगा कि अगर उन्होंने बोला, अगर एक रूल है तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट रूल इन अ करेक्ट वे एंड मेकिंग इट इन अ पॉजिटिव वे, एंड 60% कन्नड़ा लिख दो अपने बोर्ड पे एंड या यही है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करते हैं। नमस्ते।